लेकिन यहाँ पे सामने ही है जो अक्षरधाम का पूरा रेप्लिका बनाया हुआ है, दिल्ली के अक्षरधाम का, वो देखेंगे। उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। टोटल इसकी हाइट है वो 45 फीट है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में, जो करीबन 15 दिसंबर 2022 से लेके 15 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज जा रहा हूँ फाइनली। जहाँ तक मैंने सुना है इतना ह्यूज ऑर्गेनाइज किया है। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वहीं जाके देखते हैं। सो या लेट्स गो। सो ये आप लोग रोड देख सकते हो, हम लोग यहाँ से आए हैं। ये पूरा पार्किंग है। सो ये टू व्हीलर हम लोगों ने यहाँ पे पार्क किए। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे चल के अंदर। सो गेट नंबर 4 से एंट्री लेने का बोला है। सो चलिए चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस, काफ़ी ज़्यादा। यहीं से अंदाज़ा हो गया है। अब अंदर देखते हैं। तो ये रहा एंट्री गेट, आप लोग देख सकते हो यहाँ से की एंट्री हम लोगों ने। तो अभी जा रहे हैं अंदर। सो यस गाइस, फाइनली हम लोगों ने एंट्री ले ली है। और ये जो गेट है वो गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 4 से हम लोगों ने एंट्री ली है यहाँ की। तो काफ़ी ह्यूज बनाया है गाइस, करीबन 600 एकड़ की ज़मीन में पूरा ये महोत्सव है जिसको ऑर्गेनाइज किया है। सो अभी देखेंगे, अभी तो अंदर आए हैं सिर्फ, साथ में केयूर भाई है। सो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए लेट्स गो। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, तो जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। सो अभी हम लोग गेट नंबर 4 पे है। सो ये एंटर होते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी पीने के लिए फ्री सेवा है। यहाँ पे पानी पीने के कोई चार्जेस नहीं है। सो अभी चलिए पानी पीते हैं। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड है पानी पीने के लिए। ये सो चलिए दिखाते हैं। सो ये बोर्ड है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एंट्री लेते ही, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। सो फर्स्ट प्रमुख स्वामी महाराज का वंदना स्थल है, फिर अक्षरधाम मंदिर, प्रमुख ज्योति उद्यान, बाल नगरी है, लाइट एंड साउंड शो है, फिर एग्जीबिशन हॉल है, एग्जीबिशन हॉल 2, 3 एग्जीबिशन हॉल है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ है, चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे सब उनके प्रमुख स्वामी महाराज की एंड अलग अलग फ़ोटोज़ हैं, उनके बारे में सब लिखा हुआ है डिटेल। एंड यहाँ पे अंदर आते ही VAPS का स्टोर है, यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, बुक्स वगैरह, तो उसके अंदर जाएंगे बाद में हम लोग। एंड इस साइड आप लोग देख सकते हो प्रेमवती। सो ये कुछ प्रमुख स्वामी की माता जी के नाम के ऊपर से कुछ रखा था, ऐसा कुछ है यहाँ का जहाँ तक मुझे पता है। सो प्रसाद है ये, यहाँ पे चीज़ें मिलती है, हमको ख़रीद के लेना होता है, लेकिन काफ़ी एकदम कम रेट है। सो अभी हम लोग अंदर आए हैं तो अभी तो नहीं जाएंगे तुरंत, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें मिलती है यहाँ पे, क्या है। सो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मेडिकल हेल्प सेंटर बनाया हुआ है। सो अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो यहाँ पे दिखा सकता है। और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी है। सो ब्लड डोनेशन कैंप भी है, किसी को ब्लड डोनेशन करना है तो ये यहाँ पे आके कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। सो ये एक और यहाँ पे एक बलून रखा हुआ है, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। सो अभी हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे एक शो चल रहा है, तो अभी शो में तो नहीं जाएंगे, शो में देखते हैं अगर बाद में टाइम हुआ तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सामने ही है जो अक्षरधाम का पूरा रेप्लिका बनाया हुआ है, दिल्ली के अक्षरधाम का, वो देखेंगे। उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एग्जैक्ट सामने ही है पूरा बना हुआ। अभी चलिए अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कैसा है। सो ये हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ पे ये पिकॉक काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, इनके जो फैदर्स है पूरे रियल फ्लावर्स से पूरा बनाया हुआ है, देखो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये मेरे। मंदिर के पास जा रहे हैं भाई, इतनी भीड़ है मंदिर में जाने के लिए, आप लोग देख सकते हो पीछे। मेरा मगज ग्रस्त हो गया। तो ये पूरा मंदिर आप लोग देख सकते हो।
सो या सो अभी हम लोगों ने अक्षरधाम का जो मंदिर है वो देख लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। एंड अभी जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है काफ़ी लाइटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा नगर। एंड यहाँ पे लोग देख सकते हो ये ग्लोइंग गार्डन है, शायद से ये वही है ग्लोइंग गार्डन है। तो अभी जाएंगे वहाँ पे एंड दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। लेट्स गो। तो ये आप लोग देख सकते हो प्रमुख ज्योति उद्यान, ये ग्लोइंग गार्डन है, यहाँ से शुरू होता है ग्लोइंग गार्डन। तो ऐसे दो ग्लोइंग गार्डन है यहाँ पे, और एक जो सामने दिख रहा है लाइट्स वाला पूरा गार्डन जैसा वहाँ पे, तो दो है सेम टू सेम है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर एंड देखते हैं कैसा बनाया हुआ है। Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? तो ये आप लोग देख सकते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन के थॉट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है E=mc². या सो गाइस, अभी हम लोग अक्षरधाम का जो मंदिर था वहाँ पे घूमे, देन हम लोगों ने ग्लोइंग जो गार्डन था वहाँ पे घूमे, एंड अभी घूम रहे हैं। काफ़ी बड़ी जगह है तो पूरा कवर करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग को लगी है भूख, तो अभी करीबन बजे हैं रात के, कितने बजे भाई? तो अभी रात के करीबन 8:30 बजे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग को अभी खाना है तो अभी नाश्ता दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या मिलता है यहाँ पे और क्या प्राइसिंग है। तो मुझे तो खानी है खिचड़ी, खिचड़ी खाने की इच्छा हो रही है मेरी, क्योंकि यहाँ की जो खिचड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अभी चलिए वो खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोग। चले गए भाई, चलो लेट्स गो। हम लोग लेने तो खिचड़ी गए थे लेकिन खिचड़ी थी नहीं, तो अभी जो था वो लेना पड़ा। तो ये कुछ सब्जी है और ब्रेड है साथ में, चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट है। आप ये स्टैचू देख रहे हो प्रमुख स्वामी महाराज का, टोटल इसकी हाइट है वो 45 फीट है, नीचे का जो पूरा बेस है वो 15 फीट का है, एंड ऊपर की जो स्टैचू है वो 30 फीट की है। तो टोटल मिला के 45 फीट का ये पूरा स्टैचू बना हुआ है, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और नज़दीक से तो ऐसा लग रहा है पूरा मतलब गोल्ड का बनाया हुआ है, लेकिन ये गोल्ड का नहीं बना हुआ है, सिर्फ ऐसा पेंट ये गोल्डन कलर है, लेकिन यह काफ़ी अमेजिंग है एंड काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। काफ़ी लोग सब फोटोज क्लिक कर रहे हैं, और ये सब ये प्रमुख स्वामी महाराज की ही सब स्टैचूज है छोटी। सो ये आप लोग देख सकते हो ये डस्टबिन पूरा किससे बनाया हुआ है, जो यूज्ड बॉटल्स है उसको इकट्ठा करके पूरा डस्टबिन जैसा बनाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया है ये भी। ये आप लोग देख सकते हो ये जो पूरा लीफ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नहीं आगे आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मूर्ति है वो इसके ऊपर खड़ी है। जो प्लांट है इसका नाम विक्टोरिया लिली है, और हमारे यहाँ हिंदी में इसको राजकमल बोलते हैं। सो ये अमेजोन के जंगलों में होता है, और इसको भी बाहर से लाया गया हुआ है, बाहर से पूना एंड पूना से फिर यहाँ से यहाँ पे इसको लाया गया, देख सकते हो। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कम से कम 20 से 30 किलो का वजन ही उठा सकता है अपने ऊपर, तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है ये। सो ये आप लोग देख सकते हो ये है बाल नगरी, BAPS बाल नगरी। सो छोटे बच्चों के लिए है। सो ये ट्रेन बनाई हुई है आप लोग देख सकते हो, तो इसके अंदर कोई बैठ नहीं सकता है, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए बनाई हुई है पूरा स्ट्रक्चर ट्रेन का। एंड यहाँ पे सब पढ़ा रहे हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब थॉट्स सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो ऊपर सवारी के आप देख सकते हो, उठा वाड़े दौड़ा रे कड़ा तो पशु बने, छोटे बच्चों की जो स्टोरीज आती है बुक्स में वो सब यहाँ पे दिखाई गई। यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज को एक सिंहासन पे बिठा के पूरा एक स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रीन में दिखा रहे हैं
कैसे प्रमुख स्वामी महाराज बच्चों के साथ जुड़े हुए थे एंड बच्चों से कितना प्यार करते थे प्रमुख स्वामी महाराज, एंड हमेशा से बच्चों को अच्छे संस्कार और सही राह दिखाते थे प्रमुख स्वामी महाराज और सही सलाह देते थे, एंड बच्चों के साथ उनका काफ़ी अच्छा लगाव था। तो ये इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है यहाँ पे बाल नगरी करके। सो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ये जो टेंट्स लगे हुए हैं बाल नगरी में, एक वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है। तो ये सब यहाँ पे शोज हो रहे हैं छोटे बच्चों के, सब डांस शो है, कोई स्टोरीज के शो है, तभी छोटे छोटे बच्चों के अंदर परफॉर्मेंसेज होते हैं। तभी यहाँ पे तो हम लोग जा नहीं रहे, काफ़ी लेट हो चुका है, करीबन 9:30 बज चुके हैं। तो अभी देखते हैं आगे कुछ अगर दिखाने का जैसा हुआ तो हम दिखाएंगे, वरना फिर एंड करेंगे। गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को और काफ़ी सारी जगह हम लोगों ने घूमी। हम लोग कौन सी जगह पे घूमे थे, एक तो बाल नगरी घूमा, देन ग्लोइंग गार्डन था जो फ्लावर्स वाला था लाइटिंग वाला, वो अक्षरधाम का मंदिर देखा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे शोज चल रहे हैं, जैसे अभी हमारे सामने अवर इंडिया का पूरा शो चल रहा है अंदर जाके, वो एग्जीबिशन वो सब है, लाइटिंग शो भी है, लेकिन अभी काफ़ी देर हो चुकी है तो अभी हम लोग को लेट हो रहा है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन बाद में कभी आएंगे तो शूट करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी पूरा अगर कवर करना है तो गाइस काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, वर्थ एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। सो दैट्स इट, चलिए अगर आगे और मौका मिला तो और फिर से आएंगे। बाय बाय। सो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, सब अभी चल के बाहर आ रहे हैं।